हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर व्यापारी से 3.5 लाख लूटे, नकाबपोश बदमाशों ने दुकान पर बैठे पिता पुत्र से मारपीट कर लूटे रुपए। बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, पिता पुत्र द्वारा विरोध करने पर तलवार से किया वार। पीड़ित पिता पुत्र ने कहा, विरोध किया तो बदमाशों ने तलवार से वार किया जिससे हाथ पर घाव हो गया। नेशनल हाईवे मोड़ भट्टा पर दिन दहाड़े दो बदमाशों ने ट्रेडिंग का काम करने वाले एक व्यापारी को बंदूक दिखाकर उससे करीब 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जाने करने वाले पिता पुत्र से लूट का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तथा जिले भर में नाकाबंदी करवाई। सीआई रामेश्वरलाल भाटी ने बताया कि शहर के मोड़ भट्टे के पास ट्रेडिंग का कार्य करने वाले कैलाश सांकला अपने पुत्र दिलीप सांकला के साथ दुकान में रखी 2 पेट्रोल पंप की कलेक्शन राशि रखी हुई थी, जिसको जानकारी के अनुसार बैंक में जमा करवाना था। इस दौरान 2 युवक मुंह पर मास्क लगाकर दुकान में घुसे तथा पिस्टल दिखाकर दुकान में रखे करीब 3.5 लाख रुपए लूटकर बाइक लेकर फरार हो गए। वहीं पिता पुत्र ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट करते हुए तलवार से उन पर वार कर दिया, जिसके कारण दिलीप के हाथ पर चोट लग गई, जिसके बाद पिता पुत्र दोनों को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार दुकान में 2 पेट्रोल पंपों से कलेक्शन की राशि रखी थी, जिसे बैंक में जमा करवाना था। पीड़ित ने बताया कि दोनों पेट्रोल पंपों की यह राशि टेबल पर ही रखी हुई थी तथा इस राशि को गिन रहे थे। इसी दौरान 2 बदमाश आए तथा पिस्टल दिखाकर यह राशि लेकर फरार हो गए। वही पुलिस जिले भर में नाकाबंदी करवाकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। जागरूक टीवी के सोजत से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।